गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द घरी फैमिली। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है संडे और 4 जून, और इस चैनल के सभी व्यूअर्स को पता है कि आज आने वाली है हमारी न्यू कार। अच्छा, तो बस सब उठ चुके हैं एंड बस घर में काम वाम शुरू हो चुका है। भैया गए हुए हैं क्लास लेने और आशु सर का गला बिल्कुल ही खत्म है, तो वो अपनी अब्बा जब्बा वाली भाषा में कुछ भी बोलना चाहेंगे तो बोल लेंगे और मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगी। तो आप देखते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं। चलो, हाँ खूब खुश हो, नई गाड़ी आ रही है, तुमको भी घुमाएंगे। ये सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, ये मम्मी इनके कपड़े सिलेक्ट करवा रही है। हो गए आशु सर कपड़े सिलेक्ट, कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए। मजा नहीं आ रहा है, मैंने बोल दिया अब्बा जब्बा की भाषा में। आशु सर बोले के क्या पहन रहे हो सर? ब्लैक शर्ट व्हाइट कार, ब्लैक शर्ट व्हाइट कार, ब्लैक शर्ट व्हाइट कार। तो हम सब सोच रहे हैं कि हम सब ब्लैक पहने, है ना सर? किनू आप भी क्या पहनोगे, कौन सी कार लेने जा रहे हैं वो नहीं बताना इनको, ये बताओ कि कौन सी कलर की कार लेने जा रहे हैं हम। बेटा 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 आप अपनी वाली मत बोलो, जो थार, थार वाली ब्लैक। आपको थार लेनी है? हाँ। तो भाई इसको ये देखो, ये उठ के बिल्कुल आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि कियान को पता कौन सी कार लेनी है, कौन सी लेनी है किनू? कियान को थार लेनी है, लेकिन हम आज थार नहीं ले रहे, उसको थार लेने का बड़ा शौक है। आप एक्साइटेड हो आज जाने के लिए? हाँ। है उसको आशु ही तैयार करे, है ना? कि कोई पाउडर तो लगाया ही नहीं। ये भगवान क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। कैसे तैयार करते हैं ये आदमी लोग, कह रहा पाउडर भी आप नहीं लगाओगे, आज आशु घर पे है तो वही लगाएंगे, है ना किनू? मेरे को रेडी करना नहीं आता बेटा, ये जो इतने बड़े हो गए हो ना, ये मम्मी की वजह से हुए हो। पापा पहली बार तैयार कर रहे होंगे, बोलो जरा बोलो, किया आज तक आपने तैयार इसको? बचपन में, बचपन में तैयार किया पापा ने आपको? हाँ एक दो बार तो किया होगा। क्यों नहीं लग रही, शरीर ऐसा हमारा, यू लुक सो फ्लफी भाई, ऑल ब्लैक हो रखा है सारा। यार मेरे को भी ले लो यार थोड़ा, एक बार मैं भी दिखा दूं, मैं भी ब्लैक। ऑल ब्लैक नहीं है, ऑल ब्लैक होना था क्या? नहीं ऑल ब्लैक, मैं तो मेरी जीन को चेंज करवाओ फिर। इसका इसका सर दिल भी तो काला है इसका। हां ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो ऑल ब्लैक हो गया ना, गला खराब है लेकिन बोलना है, बीवी के बारे में बोलना है बस। चलो भाई चलो, सब तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल सबका ले, ये भी तैयार हो गए, तैयार कर दिया। हाँ नहला धुला के तैयार हो गए हैं। अरे इसके पास में कैमरा लगा, गूंगा कुछ बोल रहा है, बोलो जरा सुनो। चला रहा मैं, चला वहाँ, जब भी वीडियो बना रहे हो ऐसे करना है कि नंबर प्लेट ना आए। वी आर ऑल सेट टू लीव, ये आ गई हमारी हमारी बसंती। दे दो यार, ये देखो मुझे इतनी सी जगह देते हैं ये इसमें गाड़ी में, तभी तो लेनी पड़ रही है। तो भैया आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, मतलब कैसा अंदर से, मतलब आपका इतना टाइम का ड्रीम है, आपको कैसा लग रहा है आज ड्रीम पूरा होते हुए देख के? ऐसा है कि मैं समझा नहीं पा रहा कि मैं मतलब कैसे समझाऊँ, इतना कुछ मतलब ये वो लोग ही समझ सकते हैं जिनका, जिनके साथ जो आपके साथ रहे हैं काफ़ी समय से, जिनके ये सपना था, किसी का भी सपना हो लाइफ में और बहुत बार होते होते टूटा होता है, फिर फाइनल जाकर पूरा हो रहा है, वो वाली नहीं। मुझे वो स्टेटस आपका आज भी याद है,
फेसबुक का, मतलब मेरी आंखों के आगे है वो स्टेटस कि एक बार बोलोगे आप थोड़ा क्या था? मेरी माँ मुझे बोली बेटा मेहनत कर, एक दिन तू चलाएगा अपनी फॉर्च्यूनर। तो बस वो ड्रीम आज आशु सर का पूरा हो रहा है, हमारी पूरी फैमिली का पूरा हो रहा है, हमारे बच्चों का पूरा हो रहा है। तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बहुत। केलू और बेटा सुनो, ये सीट किसकी है? ये नहीं, ये बड़े पापा की है। आपकी कौन सी है? लास्ट में आओ, मैं आपको लास्ट में बैठाता हूँ। ये क्या है? अच्छा, तो ये इन बच्चों को सीट अलॉट कर दी है। तो सीट्स भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, कौन कैसे कैसे बैठने वाला है इनमें। भैया ने पहले अपनी आगे की सीट बुक कर दी है, जलवा है हमारा। इनको पीछे खुश कर दिया है। मैं को अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं पीछे एक आध मूवी लगा दूंगा टीवी टू, ताकि बिल्कुल आगे आने का नाम भी ना ले। ये दोनों रामी पीछे। शाबाश बेटा, बहुत। यहाँ टोयोटा वाले भी इनको जानते थे। और मिलिए हमारे फोटोग्राफर भैया से, क्लिक वाला भैया। ये उनके बड़े भैया, ये इनके बड़े भैया, और ये खुद। और मैं तो कैमरे के पीछे ही रहती हूँ एज यूजुअल। ये लो आप कैमरे के आगे। तैयार होने गई है क्या आपकी फॉर्चुनर? उसको तैयार होने की जरूरत है। ओ, अब आवाज निकल गई आपकी है? अब आवाज निकल गई, तो हमने जो कार ली है वो ली है सिद्धांत ठुकराल साहब से, और ये यहाँ पे ठुकराल जी से, और वो यहाँ पे नंबर 1 पे है, नंबर 1 वॉल ऑफ सबसे ज्यादा गाड़ियाँ बेची है। ब्यूटी अच्छी है। एंड दिस इज आवर बीस्ट। ये नंबर 1 सर है। ये देखो अभी से पोजेसिव है। डेमो के लिए। अच्छा भाई, ये बना लो। तो अभी ये सारा यहाँ पे इनको डेमो करवा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं सारा। और अभी हम वेट कर रहे हैं हविशा दीदी का, हमने उनको बुलाया हुआ है तो वो आ रही हैं अभी, एंड देन हम केक कट वगैरह करेंगे। ये बोर हो रहा है तो यहाँ पे ये स्पून के साथ खेल रहा है किनो। ये देखो छोड़ ही नहीं रहे भाई, पप्पी करना ही नहीं छोड़। रीमा कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ वैसे रीमा, तेरे लिए ना सबसे बेस्ट सीट रहेगी पीछे वाली। तो क्या नाचो मैं? दिस वन ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल फिट आऊंगी। और मेरे को भी पता है मेरे लिए बेस्ट है, अकेले बैठ के लेट के जाऊंगी उसके अंदर, लेट के जाऊंगी। ये बात पता है, इसके आगे फ्रिज है। नहीं, जो मन तेरा करे रखने का वो रख सकते हैं, तो जो भी फ्रिज में जो भी रख सकते हैं। तो भाई मैं नाटक कर करके ले लिया।
तो भाई हमारी पहली राइड फॉर्च्यूनर में, और ये आशा सर थोड़े से गुस्सा है। बेटा अगर तूने जूते ऊपर रख दिए ना, इस पे घर बताऊंगा मैं, बताऊंगा। अच्छा भाभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। किनो आपको फॉर्च्यूनर अच्छी लगी या फिर बलिनो अच्छी लगती थी हमारी? कौन सी? जो पहले वाली थी वो ज्यादा अच्छी है, ये वाली ज्यादा अच्छी है गाड़ी? शुक्र है बेटा, तूने अगर गलती से भी पहले वाली बोल देता तो पापा तेरे को गाड़ी से बाहर फेंक देते बाहर। ये दोनों अच्छी है। अच्छा दोनों तो गाड़ी में बैठ के कुछ खाएंगे गाड़ी में। मुंह बनाओ। अरे न्यूज़पेपर नहीं लेकर आए ना? अरे यार गाड़ी में खाना ना हमको तो बैठ के आज। अरे यार इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह, गाड़ी में खाने दो हमको। यहाँ तो बंदा रोना भी अलाउड नहीं होगा कि उसके आंसू ना गिर जाए। तो रहन दो फिर। तो ये पहली डीजल फिलिंग। ये उन भैया से पूछ रहे खुलता कहाँ से इसके? भैया बोल रहे हैं भाई, आज ही लिया है। आज ही भैया ये है क्या? ये रहा, ये रहा, देखो खुल गया, खुद ही मिल गया, खुल गया, खुल गया। फुल कर दो, डीजल फुल। हाँ फुल ठीक है। ये लो सब कुछ भाई, भरे ही जा रही है, भरे ही जा रही है। कितना पीती है ये, एक जन्म के हैं। तो अब हम यहाँ रुके हैं खाली सी सड़क पे और हो रहा है हमारी फॉर्च्यूनर का शूट। भूख तो भैया हम सबको ही लग रही है भाई। किन्नू भूख लगी है? भूख लग रही है भैया। हम कितने बजे के निकले हुए हैं? हम लोग 12:30 के निकले हुए हैं। एक एक रोटी सुबह ही खा रखी है। अरे उसको तो उतार लो पीछे से। ये तो ट्रक लग रहा है पूरा देखने में। भाई वो छोड़ भाई वो। बैठो मामा जी। कंट्रोल तो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ी सी एक्टिंग करनी चाहिए ज्यादा। तो यहाँ से अब हम निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर, उनको कार दिखाने। अरे चलाओ यार। आओ जी आओ जी। हम तो मम्मी के घर फोन पे था, रोकलो आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बैठो बैठ जा। रेन डांस करके आया ना वो, देखो उनका मुंह देख, गीली है तू ये बोल के वो देखो बैठने भी नहीं देंगे। मेट्रो में ये ले। तो सबको गाड़ी दिखा दी, अब तो शकुंश वाली मिल गई रास्ते में हमें। एंड अब हम जा रहे हैं घर और वहाँ पे आएंगी रुचि दीदी घर पे ही। हम अपने घर के रास्ते में ही है फाइनली। आयो जी और घर के नीचे खड़ी है भैया। अच्छा हाँ। भाभी पहली साइड चली गई। रौनक भी आ गया। आर भी आ जाओ भाई, ये कीनू की फ्रेंड आई है कहाँ से? पंजाब से, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, अमृतसर। हाँ पंजाब, पठानकोट। तो ये कियान का सेकंड होम है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये रे ये सारे मेंबर्स मैंने आपको दिखाए, ये सब कियान के सेकंड होम है और ये वही होता है अगर यहाँ नहीं होता तो। हेलो शिवी। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जीजू, नमस्ते नमस्ते।
अरे नेल से लगा यार, नेल से चुभ जाएगा तुझे यार, नेल से आ जाएंगे और इतना लेट हो गया था हम लोगों को कि खाना भी नहीं बन पाया, तो अब हम बाहर डिनर करने आए हैं सभी, क्योंकि 9:30 तो यूं ही बज गए थे, अभी भी कितने हो गए हैं, 10 बज चुके हैं, तो इसलिए हम बाहर डिनर करने आए हैं अब सारी फैमिली। चलो भाई खा लिया खाना, आप घर चलो, नींद आ रही है सभी को, नींद आ रही है। मैं एंड अचीवमेंट से आ रही है भाई की, अच्छा भाई की नहीं, पति की फॉर्च्यून। अरे वाह फाइनली भाई, ये अपने जो भी क्या कहते हैं उसको दिल में है वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि इनका गला थोड़ा खराब है, लेकिन वैसे इन्होंने ऐसे का ऐसे छोड़ा हुआ है ये विजन बोर्ड कि अब तो फॉर्च्यूनर इस तरफ आएगी तो मैं अपनी और सारी अचीवमेंट इसमें शामिल करूंगा। बहुत सारी चीजें और भी हुई हैं इन दिनों, इन महीनों में, और वो सब अभी आएंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज हुई है। ये क्या बात है सर, चमक रही है अब तो, थोड़ी बड़ी लगेगी, अपनी अपनी वाली गाड़ी की फोटो लगेगी वैसे तो, इधर अब अपनी वाली गाड़ी की फोटो लगेगी यहाँ पे। तो बस इसी के साथ मैं आज के अपने इस व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको ये BTS सारा का सारा फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने का अच्छा लगा होगा। प्लीज ऐसे ही मेरे चैनल को, मुझे, हम सब को प्यार दिखाते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एवरीवन।